गुड इवनिंग बच्चों, फोनेटिक्स आपने नाम सुना होगा, यदि आपने लिटरेचर स्टडी करा है या आप करने वाले हैं तो सुनना चाहिए आपको। बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, आखिर फोनेटिक्स है क्या, क्यों इतना डरते हैं सब कोई। बहुत ही कम लेक्चर्स आपको मिल पाएंगे यूट्यूब पर भी, और हिचक बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो टीचर्स भी हों, उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं बताते हुए, और ना ही स्टूडेंट्स उतने कॉन्फिडेंट होते हैं इसको लेकर। तो मैं आज प्रयास करूँगा कि आपको इतने अच्छे से बता दूँ कि दोबारा इससे डर नहीं लगेगा और शायद खेल खेल में आप ये काम कर जाएंगे। तो इसके लिए आपको करने की क्या ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द सिम्बल्स, बिकॉज फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है क्या। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इज द सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। साउंड के ही सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी हम सिंबल्स की मदद से किसी वर्ड या सेंटेंस के साउंड को दिखाने का प्रयास करते हैं, वही तो है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इससे इतना डरने वाली बात नहीं है। और सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो होता है वॉवेल सिंबल्स। तो पहले देख लेते हैं कुछ सिंबल्स जो हमने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए, ओ के लिए मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हैं। ओ के लिए जैसे कि हम यूज करते हैं एक उल्टा ई टाइप का, उल्टा ई जैसा। उसके अलावा एक हम थ्री जैसा यूज करते हैं, बिल्कुल थ्री जैसा दिखता है वो, और कभी कभी थ्री पर डबल डॉट लगाते हैं। अब देखिए, डबल डॉट कब लगाते हैं, जब एक्सेंटेड होता है वो। एक्सेंटेड मतलब थोड़ा रुकना होता है, जैसे थोड़ा रुकते हैं तब, ठीक है। फिर आ के लिए हम यूज करते हैं सिंपल ए का, या फिर ए पर ज्यादा जब आ पर रुकना होता है तो हम उसमें डबल डॉट लगाते हैं, अगेन एक्सेंटेड के लिए। फिर हम ई के लिए आई का यूज करते हैं, जब छोटी ई बोलनी हो, यानी ह्रस्व ई। बड़ी ई होती है तो हम उसी छोटी ई पर क्या करते हैं, डबल डॉट लगा देते हैं, तो उसी से हमारी बड़ी ई बन जाती है। अगेन हम ए की बात कर लें तो ए के लिए सिंपली हम ई का प्रयोग करते हैं, छोटी वाली ई का, और या फिर कभी कभी हम एप्सिलॉन का भी प्रयोग करते हैं। ओ के लिए कुछ ज्यादा है, जैसे कि उल्टा सी हो गया, या उल्टा सी पर हम डॉट लगाते हैं जब रुकना होता है तो, या फिर उसी उल्टे सी को हम काट देते हैं। कुछ देख सकते हैं, कुछ डी जैसा लगता है, बट ये एक्चुअली डी नहीं है, चांद जैसा आप कह सकते हैं। जी जी, अमावस की चांद। और ये सबसे डिफिकल्ट सिंबल जो होता है लिखना, वो होता है ए और ई का मिक्स्ड, जिसको हम ए कहते हैं। ये ए और ई से मिलकर बना हुआ होता है। पहले आप बुकिस ए लिख लें, उसके बाद उसमें ई बना दें, तो वही हमारा ए बन जाता है। और उसके अलावा ऊ काफी आसान है। अब यू को थोड़ा इनोवेट किया जाता है कुछ इस तरह से, दोनों तरफ पंडित जी के टीके की तरह, ठीक है। और उसके बाद एक्सेंटेड ऊ के लिए हम यूज करते हैं यू पर डबल डॉट का, ठीक है। ये सारे हो गए वॉवेल्स में कुछ साउंड्स थे जिनको हम सिंबल्स के जरिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अलावा आपको कुछ कंसोनेंट साउंड्स को भी जानना होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने कुछ लिखे हैं, जैसे चो के लिए हम टी और इंटीग्रेटेड एस का यूज करते हैं, स के लिए हम एस सिंपली यूज करते हैं, या कभी कभी इंटीग्रेटेड एस का यूज करते हैं जब हमें लाइट प्रोनाउंस करना होता है, थोड़ा सा बोलना होता है। जेड यानी जेड का जो, या डी जेड का जो प्रयोग किया जाता है वो ज के लिए किया जाता है। ज के लिए जब ज्यादा हमें इम्फेसाइज करना होता है तो हम डी जेड लगाते हैं, जब छोटा सा एकदम थोड़ा सा बोलना हो तो हम ज, नॉर्मली बोलना हो तो हम जेड का प्रयोग करते हैं। कई कई जेड को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। अब द की बात कर लें तो द के लिए हमारा डेल्टा होता है, और य के लिए हम जे का प्रयोग करते हैं। काफी अनयूजुअल है बट य के लिए हम जे का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यदि आपने इतने सिंबल्स को देखा तो इसी की मदद से हम आपको पहले 1 to 10 की काउंटिंग आपको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए, आई होप आप सीखने वाले हैं कुछ मजेदार, है ना, जो शायद आज तक आपको डराया गया होगा इसके कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके अंदर वो होनी चाहिए कि नहीं, हमें बस कुछ नहीं है भाई। देखिए, ये अपनी माइंडसेट है। वन, पहले हम 1 से 10 लिख देते हैं, हमको आती है कि नहीं गिनती देख लीजिए। जी 1 2 3 4, अभी गलत पढ़ रहे हैं हम, अभी सही पढ़ के दिखाएंगे आपको हम जो पढ़ना चाहिए जैसे इसको। जी 6 7 8 9 और फाइनली 10। तो ये कुछ हमने काउंटिंग लिख दी 10 तक। ये आपको मैं फोनेमिकली ट्रांसक्राइब करके दिखाता हूं। अब ये कैसे होता है बच्चों, तो देखिए, इसको लिखने से पहले ये चीज ध्यान रखें कि बिल्कुल हमें यूज करना है दोनों तरफ लकीर का, बिल्कुल इसको लकीर के बीच में ही लिखना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमने फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है, ठीक है। जैसे 1 लिखना होता है तो 1 को आप हिंदी में कैसे लिखोगे बताओ जरा, कुछ इस तरह से 1 व न।
और हमने एक साउंड भूल गया हूं मैं, तो आपके लिए फिर से मैं लिख दूं, उल्टा वी जैसा एक साउंड होता है सिंपली अ के लिए, मुझे याद आया। चलिए आप उसके भी जो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वन देखिए, व के लिए जनरली हम डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, व के लिए डब्ल्यू का, अ के लिए हम यहां पर जब नॉर्मल सिंपली अ बोलना होगा तो हम उसी अ का यूज करेंगे जो मैंने अभी लिखा, और न के लिए तो सभी जानते हैं क्या है ना, आसान। तो ये हमारा हो गया वन। टू देखिए कितना आसान है, हम कैसे लिखेंगे हिंदी में, कुछ इस तरह से टू लिखेंगे। तो देखिए टू, तो ट के लिए हम क्या लेते हैं, टी लेते हैं, है ना। अब ट में देखिए बड़ी ऊ लगा हुआ है, तो हम बड़ी ऊ देख लीजिए इधर, तो यू पर डबल डॉट लगाना है, यानी यू पर डबल डॉट लगा दिया हमने, क्या ये टू नहीं हुआ, हुआ कि नहीं बताइए जरा। चलिए समझ रहे हैं बच्चों, आई थिंक यू आर गेटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं थ्री की, तो थ और इसमें र जुड़ता है, कुछ इस तरह से थ्री लिखते हैं। थीटा, थ के लिए थीटा यूज करते हैं, र के लिए आर ही हो जाएगा, कुछ नया थोड़ी है। और ई, बड़ी ई है तो हम क्या करेंगे, आई एक्सेंटेड ले लेंगे। अब एक्सेंटेड एनएक्सेंटेड तो आप जानते होंगे, एक्सेंटेड मतलब जब ज्यादा जोर लगाते हैं, ज्यादा लिखने की दीर्घ कह सकते हैं इसको हम, नहीं। फोर, अब फोर तो बोल देते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश का नियम है कि यदि र साउंड के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, र के बाद कोई साउंड ही नहीं हो या फिर, तो हम क्या करते हैं, उसको लोप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी इसको पढ़ने का जो सही तरीका होगा, फो फो, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से फ, और देखिए यहां पर ओ के लिए कौन सा साउंड हमने लिखा है, एक्सेंटेड, थोड़ा रुकेंगे, देखिए साइलेंट करने के लिए हमें एक्सेंटेड करना होता है, इसीलिए फो फो। क्या समझ रहे हैं आप, इस जगह चमक रही है बोर्ड, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए हम प्रयास करेंगे इसका इधर ही कर देंगे ताकि आपके लिए दिखने में आसान हो। चलिए अब करते हैं फाइव का, आप लोग बताइए फाइव कैसे होगा, फाइव कैसे होगा, फ आ, आ के लिए क्या लेंगे, ए ले लेंगे, नहीं, और ई के लिए क्या ले लेंगे, आई, और व के लिए क्या यहां पर ले लेंगे, वी ले लेंगे। अब यहां पर ऑलरेडी वी था व के लिए, तो हमें अलग से डब्ल्यू लगाने की जरूरत नहीं थी, फाइव क्लियर। अब सिक्स की बात कर लेते हैं, सिक्स, तो सिक्स स के लिए हम एस ले लिए, ई के लिए आई ले लिए, बताइएगा जरा, सी हो गया, क के लिए क्या ले लेंगे, के स्मॉल, नहीं, और अगेन स हो जाएगा, सिक्स हो गया कि नहीं बताइए जरा, हुआ हो गया। चलिए सेवन, सेवन तो श एप्सिलॉन ले लेंगे यहां पर हम, ए के लिए, व के लिए वी रहेगा, और अ के लिए उल्टा ई ले लेंगे, और ना आ जाएगा, यानी ये पढ़े हम क्या, सेवन, क्या पढ़े, सेवन, ठीक है, ये नॉर्मली पढ़ा जाता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब एट की बात कर ले, ये थोड़ा अलग है ना बच्चों, कैसे लिखेंगे इसको हम, यदि लिखेंगे तो एट, एट नहीं, तो ए के लिए ई आ गया, ई के लिए आई आ गया, और टी के लिए क्या, ट के लिए क्या आ गया, टी आ गया, एट हुआ कि नहीं, एट, ठीक है। नाइन देखिए, न आ के लिए ए आ गया, ना हो गया, E के लिए आई आ गया, और फिर से N आ जाएगा ना के लिए, तो ये हमारा हो गया नाइन। और लास्टली जो टेन है, तो टेन कोई चेंज नहीं करता अपने अंदर, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, टेन में क्या चेंज करिएगा आप, क्या आसान है कि नहीं बताइए जरा, बहुत मुश्किल है, आई थिंक मुश्किल नहीं है, यदि आप इसको कर लें प्रैक्टिस तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलिए कुछ और आपको हम करके दिखाते हैं, देखते हैं अब आप हमको गैस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या बनाने वाला हूं। चलिए हम लोग संडे मंडे करके देखते हैं जरा, चलिए एक बार पहले संडे मंडे लिख लिया जाए, नहीं तो ये हो गया हमारा। देखिए अभी यहां पर आप लोग सही उच्चारण भी सीखेंगे, जो कि आप लोग आज तक गलत पढ़ते आए हैं वो सही उच्चारण भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये हो गया, मैंने सारे एक्चुअली मंडे से शुरू होना चाहिए, गलत तरीका है, ठीक है ना, मंडे से ही शुरू होना चाहिए। अब चलिए सबका फोनेटिक्स करके देखते हैं होता है या नहीं होता है, चलिए आप लोग गेस करिए। मंडे बोलिए हमको, यदि मन लिखना है, मन लिखना है कि नहीं बोलिए, लिखना है तो क्या हो जाएगा, एम ए एन आ एक्चुअली आ गया, मन हो गया ये, और डे डे बोलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा, मंडे मंडे हो कि नहीं, मंडे क्लियर है। अब हमें ट्यूजडे की तरफ बढ़ना है, तो ट के लिए टी आ गया, या के लिए याद कीजिए क्या यूज करते थे हम लोग, देखिए यहां पर या के लिए क्या है, जे है कि नहीं, जे है, तो ऊ है, तो एक्सेंटेड ले लेंगे ट्यूज, ज के लिए क्या आ जाएगा, जेड,
ट्यूज हो गया, ट्यूज डे सब तो एक ही जैसा होगा, तो डी ई आई ही डे होगा, नहीं ट्यूज डे हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं, ये वेडनेसडे होता ही नहीं है, ये वेंजडे होता है। क्या होता है बच्चों? वेंजडे, ठीक है ना। तो हम यहां पर एप्सिलॉन वाला लेंगे, एप्सिलॉन वाला ए लेंगे, वेंज हो गया और डे वेंजडे, क्या हो गया वेंजडे हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी गलत पढ़ते हैं हम लोग, थर्सडे नहीं थर्सडे होता है, थर्सडे, ठीक है ना। तो अब देखिए थीटा आ गया, यहां रुकना है थोड़ा, आ ये वाला ले लेंगे, नहीं तो ज के लिए जेड आ गया और डे हो गया, थर्सडे हुआ ना। चलिए फ्राइडे, फ आ एक्चुअली र ना पहले, फ्राई। अब कहोगे यहां पर आर क्यों लिख रहे हैं आप तो बोले भी साइलेंट रहेगा। अब देखिए आप लोग फ्राइडे, र के बाद क्या आ रहा है? साउंड वॉवेल का आ रहा है, इसीलिए र यहां पढ़ा जा रहा है, नहीं तो फ्राई हो गया और डे हो गया, फ्राइडे, क्लियर। अब भी देखिए सैटरडे, क्या पढ़ते हैं इसको हम? सैटरडे। तो सैटरडे कैसे पढ़ेंगे? स ए ई आ जाएगा टी के बाद, ये सैटर हो गया, सैटर। और लेकिन डे जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल हाँ जी, सैटरडे। और संडे से आसान कुछ भी हो सकता है क्या? तो ये हो गया हमारा संडे। कर्सिव में कभी नहीं लिखना चाहिए फोनेटिक्स को, हमेशा हम स्मॉल में लिखते हैं और जो सिंबल्स हैं बिल्कुल वैसे ही लिखे जाने चाहिए। जैसे र है तो र को हम ऐसे ही लिखें, आई को ऐसे ही लिखें, ऐसे ही लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग जी। बिल्कुल सिंबल्स लिख रहे हैं हम, यहां पर कोई कर्सिव राइटिंग में इसको लिखना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपने कुछ सीखा। तो आपके लिए मैं कुछ छोड़ जाता हूं, आप कमेंट बॉक्स में प्रयास करना यदि आप बना पाओ तो। आप लोग जनवरी फरवरी से लेकर कोई भी एक हमको करके बताइएगा जरा। जनवरी, क्या जनवरी हो पाएगा आपसे? नहीं हो पाएगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे होता है। देखिए ज के लिए क्या आ गया, यहां पर ज्यादा जोर डालते हैं तो डी जेड आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आए है जय, एक्चुअली पढ़ते क्या है इसमें ले जानी है, जनवरी, क्या पढ़ते हैं? जनवरी या जनवरी, जनवरी या जनवरी, थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए तो न हो गया, उसके बाद या, देखिए जैन्य, जैन्यरी या जैन्युअरी, ठीक है, यू भी ले सकते हैं यहां पर, यू नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, यानी ये हो गया हमारा जैन्युअरी, जैन्युअरी हो गया, है ना। अब बात करें क्या आपको फेब्रुअरी बता दें कि हो जाएगा, आसान है। देखिए बच्चों एक बार इसको मिटा दिया जाए, नहीं काउंटिंग मिटा देते हैं हम, ठीक है, चलिए काउंटिंग मिटा देते हैं, आपको हम जनवरी फरवरी भी बता ही देते हैं, ठीक है। फेब्रुअरी देखिए कैसे हो जाएगा, अब मन तो होता है कि सारा कुछ बता दें पर कितना बता पाऊं मैं। देखिए मार्च, एक्चुअली इसको मार्च पढ़ा जाएगा, मार्च रा साइलेंट हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे होगा, फेब्रुवरी, फ एप्सिलॉन ले लेंगे, फेब हो गया, फेब्रु, फेब्रु नहीं फेब्रु, अब र यहां इसलिए आ रहा है, देखिए ऊ आ रहा है इस पे, वॉवेल साउंड है ना, फेब्रु अरी, अरी फेब्रुअरी नहीं फेब्रुअरी। मार्च देखिए कैसे होगा, म ए एक्सेंटेड ले लेंगे, क्योंकि र को साइलेंट भी करना है, जब भी र को साइलेंट करना रहे तो एक्सेंटेड ले लिया कीजिए, मार्च, च हो जाएगा, च टी एस लेते हैं, देख लीजिए ऊपर में हमने लिखा था, किधर गया जी, सबसे पहले हमने च ही लिखा था, वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा, ठीक है ना, मार्च। अभी आगे लिखते हैं, और ये थोड़ा गलत पढ़ते हैं हम लोग, एक्चुअली इसको पढ़ा जाना चाहिए अप्रैल, क्या पढ़ना चाहिए? अप्रैल। देखिए ई आई ए हो गया, पी आर प्र अप्रैल, अप्रैल हुआ ना, अप्रैल, क्या हुआ? अप्रैल, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं मई कैसे लिखते हैं हम लोग, मई आसान है कि नहीं, मई नहीं होता, मई होता है, एम ई आई हो जाएगा, आसान है ना, मई, म ई ए मई। जून देखिए, जून भी कितना आसान है, जून, जून है यहां पर हम ज के लिए क्या ले लेंगे, डी जेड, और यू एक्सेंटेड हो जाएगा, थोड़ा रुकते हैं ना, जून हिंदी में देखते होंगे आप लोग, ना हो गया, ये क्या हो गया, जून हुआ ना बच्चों, जून। अभी देखिए उसके बाद जुलाई, जुलाई, तो जुलाई हम ज के लिए अगेन डी जेड ले लेंगे और सिंपल यू लेंगे, यहां पर रुकना नहीं है, जुलाई, ल ए आई हुआ कि नहीं, जुलाई हुआ ना जी, बिल्कुल जुलाई।
अब बढ़ते हैं हम, AUGUST, अगस्त पढ़ते हैं इसको, अगस्त नहीं, क्या पढ़ते हैं, अगस्त पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, अगस्त पढ़ते हैं। अगस्त देखिए कैसे होगा, तो यहां पर अगस्त, ओ के लिए हम क्या करेंगे, ओ के लिए इसका यूज करेंगे कटे वाले का, ठीक है ना, अगस्त। आप चाहे तो इसको एक्सेंटेड वाला भी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगस्त, जी आ गया ग के लिए और ये आ गया, और स टी, क्या हो गया हमारा, अगस्त, अगस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमें सितंबर वगैरह का करना है, कैसे होगा देखिए, सितंबर, ये आसान है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए बच्चों कैसे होता है, सितंबर, स सेप हो गया, फिर टेम हो गया और ब हो गया, र तो लिखेंगे नहीं, तो क्या हो गया हमारा, सितंबर, सितंबर, है ना। अक्टूबर, एक्चुअली देखिए स्पेलिंग भी हमने खराब कर लिया अपना फोनेटिक्स बताने के लिए, जी अक्टूबर, अक्टूबर यहां पर हम काट देते हैं इसको, ठीक है, अक्टूबर, तो अक्टूबर, अक्टूबर एक्चुअली होता है यहां पर, तो बी और उल्टा ई, अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर। नवंबर, तो हम इस तरह से करेंगे, न नहीं, नवंबर, ठीक है, यू नहीं भी देंगे तो चलेगा, नवंबर भी बोल सकते हैं या नवंबर भी बोल सकते हैं, तो वी एप्सिलॉन एम बी उल्टा ई, नहीं नवंबर, या ये यू नहीं भी देंगे तो चलेगा, नवंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वन दिसंबर, देखिए डी आई एस हो जाएगा, डिस हो गया, एप्सिलॉन एम बी और उल्टा ई, क्या हो गया, दिसंबर, क्या हो गया बच्चों, दिसंबर, क्लियर है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ करके दिखाएं, जैसे कि मान लीजिए हमें फाइन का करना हो तो क्या आप कर पाएंगे, फाइन, जैसे लाइट है तो लाइट का क्या कर पाएंगे बताइए, मैं फाइन बता देता हूं, लाइट आप लोग कमेंट में बताना कैसे होगा, एफ ए आई टी, हुआ कि नहीं, फाइट हुआ, फाइट, फाइट हुआ ना, साउंड पकड़िए, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं, हलवा है। चलिए, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू डिड देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस, थैंक यू।